बात करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के बाद मतदान प्रतिशत को लेकर जो आंकड़े सामने आए, उसे लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को लेकर जो दावा किया था, वह पहले चरण के मतदान में खोखला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार मतदान प्रतिशत में कमी आई है। का बजा के ये प्रचार कर सके कितना भारी माइग्रेशन बीजेपी की तरफ हो रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भाग रहा है। हमने कहा नरोत्तम मिश्रा जी से, बीडी शर्मा जी से, कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं उनका नाम बीजेपी के पोर्टल पर डाल दें। आज तक 6 सीटों पर चुनाव हुए, वहां के मतदान और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत, शक्ति और क्षमताओं के साथ चुनाव लड़ा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको हम आभार प्रकट करते हैं। बीजेपी के बड़बोलेपन, अतिरंजित दृष्टिकोण और निरर्थक भाषणबाजी का ये नमूना है। सर, बीजेपी ने दावा किया था कि 370 वोट हर बूथ बढ़ाना है, लेकिन मतलब इसी बार उनका कम पाया जा रहा था पोलिंग बूथ पर। अगर हर पोलिंग बूथ पर उनके 370 वोट बढ़े हैं तो पहले चरण के मतदान में 10% वोट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कहाँ गए वोट? बीजेपी का दावा झूठा है। हमने कहा था कि कितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी, उनके नाम पोर्टल पर डालो, क्योंकि दावा झूठा है, इसलिए पोर्टल।